हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमन एडिटिंग टिप्स फॉर। एंड गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि बहुत ही मस्त होंगे, कूल होंगे। एंड आज का फोटो एडिटिंग भी आएगा, देन फोटो एडिटिंग जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है तो आप लोग देख सकते हो, तो कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग करेंगे। तो वीडियो कर देना एक लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड जितने भी बैकग्राउंड पेंट का लिंक है उस सबका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन। एंड वीडियो कहीं भी स्किप मत करना और फुल वॉच करना वीडियो को, तो वरना मेरी तरह आप लोग फोटो एडिटिंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, तो हम पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। देन इसका लिंक आप लोग को, न्यू वर्जन है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? देन ऑल फोटो को क्लिक करके, सॉरी गाइस, देन यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है? देन यहाँ पर टूल्स पर जाते हैं और पहले बैकग्राउंड को डिसाइज कर देते हैं, जिससे कि हमारा बैकग्राउंड की क्वालिटी बिल्कुल भी लो नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर रख लेते हैं 25, ठीक है? और देन मेरी साइज प्लस वाले आइकन पे जाके फोटो ले लेना है, तो ये सही है, तो इसको ओपेसिटी कम कर लेंगे। इरेज वाला ऑप्शन लगा के यहाँ पर इस वाले इरेज वाला ब्रश लेके यहाँ पर, ठीक है, साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे एंड यहाँ पर इरेज कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने हिसाब से मतलब ध्यान से कर लीजिएगा, तो मुझे जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा, ठीक है? इसको कर लेंगे डन, ठीक है? एंड हम चलते हैं शैडो क्रिएट करना है, तो फिर से टूल्स पे जाएंगे एंड कर्व पे जाएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है? एंड इरेज का ऑप्शन जाके यहाँ पर इन्वर्ट कर देंगे एंड ये वाले ब्रश लेके यहाँ पर हार्डनेस को रख लेता हूँ 30 एंड ऑपेसिटी को 28 एंड साइज को 27 एंड यहाँ पर आपको आप लोगों को पेंट करना है, शैडो क्रिएट करना है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर शैडो क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है? तो मुझे जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। इसको कर देंगे डन एंड यहाँ से हम देख लेते हैं हमको कितना रखना है, तो आई थिंक इतना रखना है, ठीक है? तो कर देंगे डन, देन अब कर लेंगे इमेज को सेव। यहाँ पर आप लोग यहाँ से कभी मत इमेज सेव करिएगा, ठीक है? वहाँ से क्वालिटी जो हो थोड़ा सा लो हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग ड्रॉ टूल में आके एंड इस थ्री डॉट वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव इमेज कर लेना, ठीक है? तो अब चलते हैं एडोबल फोटोशॉप फिक्स में, तो गाइस हम आ चुके हैं एडोबल शॉप फिक्स में, तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करें हैं सबसे शुरुआत में, जो मोबाइल जैसा ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ पर जिस फोटो का हमने अभी सेव किया उस फोटो को ले लेना है। एंड गाइस, ये बहुत ही अच्छा कमाल के ऐप से फेस स्मूथ करने के लिए एंड हाईलाइट मतलब शैडो क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो मैं आप लोग को इसके ऊपर पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, फिलहाल मैं अभी नहीं बना सकता, 3-4 दिन के बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर वार पे क्लिक करना है, इस सबको आप लोग को नहीं छेड़ना है इस वाले क्वेश्चन पर, देन इस ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर साइज इसको रखना है, इतना रख लेते हैं, ठीक है? देन यहाँ पर जूम करके हेयर को एडिट करना है, ठीक है? तो यहाँ से हल्का खींचना है, तो मैं ये जल्दी जल्दी से कर लेता, आप लोगों को कर लीजिएगा इसी तरह का, आप लोगों को खींचना है। न्यू हो चुका है, इसको कर देंगे टर्न, देन अब कर लेते हैं यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लाइट पे आके यहाँ पर साइज को इतना रख लेते, साइज को देख लेते हैं, देन यहाँ पर 32 रख लेना है, देन हार्डनेस को पूरा कम रखना है और वासिटी को या 7 या 8 रख सकते हो आप लोग, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 8 रखेगा, देन यहाँ पर जूम करके यहाँ पर शैडो क्रिएट करना है इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग को पेंट करना है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा देन यहाँ पर थोड़ा सा नोज पर भी कर लेता हूँ,
इसको कर देंगे डन। एंड फिर से लाइट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर डार्क पे क्लिक करना है, इनका साइज रखना है 56 एंड हार्डनेस एंड 23 एंड ओपेसिटी को 20 रख लेना, ठीक है। देन इसको अपने बैकग्राउंड पे इस तरीके से पेंट करना है, बैकग्राउंड पे मात्र करिएगा, ठीक है, ना फोटो पर मत करिएगा वरना फोटो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो ध्यान से करिएगा। मैं पहले जो है इस वाला आइकन पे आप लोग क्लिक करिएगा, देन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पूरा मतलब करिएगा तो पूरा फुल नहीं रखना है, इसको 100 नहीं रखना है, थोड़ा सा कम कर लेना है, अराउंड में बोल देता हूँ 89 रख लेता हूँ, ठीक है। देन इसको कर देंगे डन। देन ये इसमें और अब करना है फेस स्मूथ, आप स्मूथ पे क्लिक करेंगे, इसका साइज जो है पूरा मैं मिला कर रखा हूँ, यहाँ पर 26 रखना है, इसको 20 रख लेना है, ठीक है, हार्डनेस को एंड ओपेसिटी को 27 ही रख लेना है। देन इसको जूम करके अपने फेस या हैंड सब पर पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से आपका फेस जो है स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। यानी हो चुका है, इसको कर देंगे डन। देन अभी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने फोटो को लाइट रूम में, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर शेयर उस पर क्लिक करके देन इंपोर्ट कर लेते हैं लाइट रूम में। देन वहाँ पर फाइनल कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है, ये रहा लाइट रूम, तो करेंगे कलर ग्रेडिंग, तो सिंपली चलते हैं लाइट रूम, तो लाइट रूम ओपन कर लेते हैं। इस वाले पर क्लिक करके यहाँ पर हमारा फोटो जो है आ चुका है, पहले जाना लाइट वाला ऑप्शन पे, देन यहाँ पर एक्सपोजर इसका देख लेता हूँ मैं कितना रहता है, आई थिंक इतना ठीक है। देन कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, हाईलाइट्स को भी कम करेंगे एंड शेडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देन वाइट्स को थोड़ा सा घटाएंगे, ठीक है, देन ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इतना 6। देन चलते हैं कलर के ऑप्शन पे, देन इसको वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ाना है इतना 50। देन चलते हैं मिक्स कलर में, देन यहाँ पे आप लोग कितना सारा कलर देखे कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, सिंपली हम आते हैं पहले फेस के कलर पे, देन इसका इसको थोड़ा सा देन ह्यू को देख लेता हूँ मैं, इतना देख लेता हूँ, ठीक है। देन लुमिनस को चेक कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देन चलते हैं इस कलर पे, देन इसका सेचुरेशन जो है देन इसको कर देना है डन। अब चलते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, देन इसको क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, 21 रख लिया हो। देन बिगनेट को थोड़ा सा कम, मतलब बिगनेट देंगे थोड़ा सा। देन चलते हैं डिटेल्स में, इस तरह अपने कर देते फोटो को थोड़ा सा अराउंड 23 कर लिया हो, आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसका करेंगे मास्क स्किन, वरना फोटो जो है देख सकते हो आप लोग फेस कैसा दिख रहा है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मास्किंग करेंगे तो ये रहा मास्किंग का ऑप्शन, आप लोग देख सकते हो। देन इसको हम दो उंगली टैप करेंगे, ठीक है, तो एक उंगली यहाँ पर रख लेना है, दूसरा उंगली से मतलब खींचना है इस तरीके से, इस तरीके से खींचना है, ठीक है, कर देंगे डन। देन फिर से कर लेते हैं, कर देते डन, तो ये हो चुका है। देन चलेंगे फिर से कलर वाले ऑप्शन पे, देन जाना है ग्रेडिंग में और हाईलाइट में आके यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कलर हमारे बैकग्राउंड के लिए सही है, ठीक है। आई थिंक ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 20 एंड ब्लेंडिंग को इतना रख लेता हूँ, ठीक है, ब्लेंड्स को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पर। एंड चलते हैं इस वाले कलर पे, ठीक है, ये सही लग रहा है, ठीक है। देन अब चलेंगे हाईलाइट्स पे, इस वाले कलर पे, देन इसको देख लेते हैं, आई थिंक इतना रखना है, ठीक है। देन इसको कर देंगे डन। अब थोड़ा सा ट्रिमिंग को बढ़ा लेते हैं, इतना रखना कम कर देना, ठीक है, 7। देन इसको देख लेते हैं, देन इसको भी कम ही रखते हैं,
मैं उसको कर देंगे डन। एंड अब चलते हैं सिलेक्टिव टूल पर, देन यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इस वाले ब्रश सॉरी इस पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा शेप बनाएंगे। ठीक आई थिंक इसको बीच में लाना है फेस पर, देन चलेंगे लाइट्स पर, देन इसको लाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे 6 रख लिया हूँ। देन शेडो को कम कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है देन आई थिंक ये सही है, उसको कर देंगे डन। देन फिर से सिलेक्ट में जाएंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इस वाले आइकन पर यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर शेप बनाना है यहाँ पर इस पे इस तरीके से आप लोगों को टाइप करना है और इसको कर देना है इन्वर्ट। ठीक है हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इतनी सही। उसके बाद चलेंगे लाइट वाले ऑप्शन पे एड इसको एक्सपोजर जो हो इतना कम कम कर दिया हो। ठीक है एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं हम इतना एंड शैडो को रख लेता हूँ। ठीक है देन ब्लैक्स को आई थिंक इस पर डन। एंड आई थिंक आप लोग देख सकते हो बहुत ही कमाल की फोटो एडिटिंग करी है। एंड इसको कर लेते हैं सेव कर लेते हैं ओके। एंड यहाँ पर बैक आ जाना है एंड फिर से अपने फोटो को इंपोर्ट करना है। ठीक है फिर से करेंगे कलर ग्रेडिंग, आई थिंक आ गया पिक्चर्स। एंड यहाँ पर आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर, कलर वाले ऑप्शन पर देन यहाँ पर इसका वाइब्रेंस को थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आई थिंक थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देन सैचुरेशन को इतना देन मिक्स इस कलर पर चलते हैं पूरा कर देते हैं डिक्रीज इसको पूरा बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं एंड इसको भी पूरा बढ़ा देंगे। ठीक है कर देंगे डन एंड फिर से चलते हाइलाइट्स में एंड आई थिंक ये कलर बेस्ट लग रहा है इसको कर देंगे डन। अब फाइनल हो चुका है फोटो एडिटिंग हमारा कंप्लीट, इसको कर देते हैं सेव। एंड आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, मैं फ़ोटो देख सकता हूँ आप लोग फ़ोटो में बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। आप लोगों को पता है कि मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ, मेरे पास कैमरा वगैरह नहीं है, तो इसको हम फिर से मतलब फुल एचडी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है तो उसके लिए मेरे पास एक ऐप्स है रेमनी, तो हम उसमें चलते हैं। देन एंड इस ऐप्स का आप लोग को लिंक, ऐप्स का नाम है रेमनी, देख सकते आप लोग किस तरह का इंटरफेस है, इसको आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ इस पिक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों का आप लोग को सॉरी गाइस इन दोनों का आप लोग को नहीं छेड़ना है। यहाँ पर इनवर्स का ऑप्शन है इसको क्लिक करके एंड यहाँ पर आप लोग को अपना फोटो लेना है। ठीक है तो आई थिंक इस पर क्लिक करके इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग को दिखाता हूँ मैं रिजल्ट। ठीक है देखिए आप लोग फोटो में कितना ज़्यादा चेंजेस है। ठीक है देख सकते हैं आप लोग क्वालिटी देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है तो बिफोर एंड आफ्टर देखिए बहुत ही ज़्यादा चेंज है। ठीक है एंड इस तीर वाला एक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर लेंगे इमेज को। ठीक है यहाँ पर सबमिट मांग रहे हैं गाइस, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर रहा है। आप सेव हो चुका है तो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं किसी इसी तरह के वीडियो एडिटिंग का वीडियो।